हे गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं शाइनी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं ये बहुत ही इजी सिंपल सा सरस्वती पूजा मेकअप लुक जो आप डे टाइम भी कैरी कर सकते हैं नाइट में भी ये काफ़ी खूबसूरत दिखेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर एंड डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले मैंने अपने फेस पर क्रीम अप्लाई किया है और मैं प्राइमर इस्तेमाल नहीं करती पर आप चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं फिर मैंने लैकमी इन्विजिबल फिनिश फाउंडेशन इस्तेमाल किया है और ये लोकल स्टोर से परचेज किया हुआ ब्यूटी स्पंज को मैंने डैम्प किया है एक्सेस वाटर को स्क्वीज़ आउट किया है और उस डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अपने फेस पर जो फाउंडेशन है उसको मैं डैप कर रही हूँ आपको ड्रैग नहीं करना है इस तरीके से आपको डैप करना है इससे क्या है फाउंडेशन का पिगमेंटेशन आपको ज़्यादा मिलेगा फिर मैंने कंसीलर अप्लाई किया है ये है मेबिल इन फिटमी कंसीलर एंड मेरा शेड है ट्वेंटी सैंड इसे मैं अपने अंडर आई एरिया पर जहाँ पर पिगमेंटेशन है और अपने सेंटर्स ऑफ फ़ेस पर थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई कर रही हूँ और आपको इसे सेंटर ऑफ़ फ़ेस पर अप्लाई करना है ताकि सेंटर ऑफ द फेस ब्राइटन दिखे फिर मैं अपने फिंगर की मदद से इसे ब्लेंड कर रही हूँ फिंगर की जो वर्म्थ है उससे मुझे लगता है सबसे अच्छी तरीके से मेकअप ब्लेंड होता है आप चाहते हैं तो फाउंडेशन को स्किप करके सिर्फ कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं फिर मैंने फिट मी का ही कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है मेरा शेड है वन ट्वेंटी इससे मैं अपने अंडर आइज़ को और जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई किया है जो एरिया थोड़ा सा ऑयली हो जाती है क्रीज हो जाती है वहाँ पर मैंने इसे अप्लाई किया है और ये जो स्पंज एप्लीकेटर है ना ये कॉम्पैक्ट के साथ ही मिला था मुझे एंड ये काफ़ी अच्छा है और फिर मैंने अपने इस रीजन पर जहाँ जहाँ मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर मैंने नॉर्मल लूज पाउडर अप्लाई किया है इससे ना ये एरियाज थोड़ा सा ब्राइटन और फोकस में दिखता है और इससे ना आपको ज़्यादा काउटोरिंग हीवी कांटोरिंग की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती सो दिस इज़ द हैक दैट आई फॉलो आप इस तरीके से बेकिंग कर सकते हैं फिर मैंने अपने आईब्रोज़ के लिए ब्लू हेवन का ये आईब्रो पेंसिल लिया है और स्पूली की मदद से आईब्रोज़ को ब्रश किया है एले कलर्स के ये आई पैलेट और इस तरीके का एक ब्रश से मैंने अपने आईब्रोज़ को फ़िल किया है मेरे आईब्रोज आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डार्क ब्लैक है इसी वजह से मैंने ब्लैक कलर इस्तेमाल किया है क्योंकि ब्राउन कलर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है मेरी आईब्रोज़ पर आप चाहते हैं तो किसी भी पेंसिल से भी आईब्रोज़ को फिल इन कर सकते हैं एडीएस का आईब्रो पेंसिल दस रुपये में ही आपको मिल जाएगा ईजिली लोकल स्टोर में फिर मैंने आई पैलेट लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का ये आई पैलेट आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उससे ही काम चला सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत ही लाइट एक क्रीज कलर लिया है और उसे मैं ऑल ओवर आई पर एक ही ब्रश में इस्तेमाल करती हूँ उसे ही थोड़ा सा साफ़ करके इस्तेमाल करती हूँ उससे मैं अपने ऑल ओवर लिड पर अप्लाई किया है और फिर थोड़ा सा डार्कर शेड लिया है और उसे भी मैंने ऑल ओवर लिड पर अप्लाई किया है बट आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से आपको इस कलर को ब्लेंड करना है बिकॉज़ यही हमारा ट्रांजिशन शेड है ट्रांजिशन कलर है और इसे आप अपने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई करें ताकि बहुत ही ज्यादा ट्रांजिशन इफेक्ट मिले फिर मैंने एक डार्क ब्राउन कलर को सिर्फ अपने लैश लाइन के ऊपर ऊपर ही अप्लाई किया है इसे आपको ज्यादा कॉर्नर में जाने की जरूरत नहीं है जस्ट अपने लैश लाइन के ऊपर जिस तरीके से मैं दिखा रही हूं वैसे अप्लाई करना है अपने लोअर लैशेस पर भी और अपर लैशेस पर लोअर लैशेस पर ज्यादा आप इनर कॉर्नर्स पर मत आइए जस्ट आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कीजिए फिर मैंने ब्लैक आई लिया है और उसे भी मैं सिर्फ अपने लैश लाइन के ऊपर ही अप्लाई कर रही हूँ ये टेक्निक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंड ये जो लुक है ना ये बहुत ही ईजिली आप अचीव कर सकते हैं येट इट लुक्स गॉर्जियस काजल लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके से आई से आप एक बहुत ही खूबसूरत सा स्मोकी लुक पा सकते हैं इसे भी आप लोअर लैश लाइन पर जरूर अप्लाई करें आउटर कॉर्नर्स पर फोकस करते हुए फिर मैंने फिर से ये जो थोड़ा सा मीडियमिश ब्राउन कलर जो मेरा ट्रांजिशन शेड था उसको मैंने अप्लाई किया है अपने आई प्रो आई शाडो को ब्लेंड करने के लिए क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो जो ब्लैक और ब्राउन शेड है उसको मैंने मिक्स करने के लिए उस कलर को लेकर थोड़ा सा मिक्स किया है इस तरीके का एक पाउडर ब्रश की मदद से मैंने अपने फेस से एक्सेस लूज पाउडर को रिमूव किया है ऑलरेडी फेस काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन हो चुकी है एक्सेस काउंटरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है सो तो ये हैक आप जरूर ट्राई कर सकते हैं फिर मैंने आईलैश कर्लर की मदद से आई को थोड़ा सा कर्ल किया है और फिर मैं मस्कारा इस्तेमाल करूँगी आप चाहते हैं तो आप कंफर्टेबल है तो आप फॉल्सी डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सनली मुझे फॉल्स आई इस्तेमाल करना पसंद नहीं है क्योंकि मेरे लैशेज़ ऑलरेडी लंबे हैं सो so मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है और उससे मुझे कुछ आर्टिफिशियल लुक भी मुझे दिखता है और फिर मैंने जो मेबल इन वाटरप्रूफ वाटर मस्कारा है उसको मैंने अप्लाई किया है एंड आप अपने लैशेस को अच्छे से कोट कीजिए मस्कारा से अपर लैशेस को भी और लोअर लैशेस को भी नेक्स्ट मैंने ब्लश अप्लाई किया है बहुत ही लाइट पिंक ब्लश मैंने चूज़ किया है क्योंकि आईज पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कलर है ऑलरेडी स्मोकीनेस है तो हल्का सा पिंक ब्लश मैंने अप्लाई किया है अपने एप्पल सॉफ्ट चीक पर नेक्स्ट मैंने एक रोज़ वाटर स्प्रे किया है अपने होल फेस पर आप चाहते हैं तो कोई भी मेकअप सेटिंग स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट मुझे बाहर नहीं जाना था और रोज़ वाटर से ही काम चल जाता है नेक्स्ट मैंने कॉन्टोरिंग की है अपने नोज़ की एक नॉर्मल पेंसिल से ब्राउन कलर की पेंसिल से और मैंने इस मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट को लिया है और इससे जो वाइटिश जो शेड है ना उससे मैंने अपने आईब्रो बोन को मतलब ब्राउ बोन को मैंने हाईलाइट किया है तो ये भी काफ़ी अच्छा एक हैक है आप किसी भी वाइट कलर के आई शैडो से अपने ब्राउ बोन्स को हाईलाइट कर सकते हैं दो लिप शेड मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है एक है पहला जो अभी अप्लाई कर मेरा फाइनल फिनिश्ड लुक यू गाइस आई होप आप सबको अच्छा लगा मैंने ये लुक कंप्लीट किया है एक बहुत ही खूबसूरत सी सिल्वर झुमकी से सो इंडियन लुक्स में आप इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते आई मेकअप भी काफी सटल है बट आप इसे इजिली डे टाइम नाइट टाइम और अपने यू नो वेडिंग फंक्शंस पर भी कैरी कर सकते हैं सो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय एवरी